हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत। आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास सिक्स उमंग बेच का बेच के चैप्टर नंबर वन का लेक्चर नंबर थ्री। लेकिन लेक्चर नंबर थ्री को देखने से पहले लेक्चर नंबर टू के एंड में हमने जो क्वेश्चंस लिखे थे उनका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा लेक्चर नंबर थ्री हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर टू के एंड में हमने तीन क्वेश्चंस लिखे थे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच केस। आपको तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चंस में क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का जो हमने लास्ट केस में लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी वो अप्लाई यहाँ होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर लेक्चर नंबर वन और टू जरूर देखो, उसके बाद में ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको पांच नंबर्स दिए हुए हैं। पांचों नंबर्स के अंदर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि सब में नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबके नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ इस नंबर का नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तीन है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, चार है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट दो है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पांच है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट वन है। तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट होते हैं तो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, वो वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, सबसे कम होंगे, वो वाला नंबर सबसे छोटा होगा। तो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है, इसमें है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है तो ये वाला नंबर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ आप नोटिस करोगे कि यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स सब में क्या है, इक्वल है। जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है यानी जो सबसे लेफ्ट में डिजिट लिखा हुआ है उनको कंपेयर करते हैं। जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या होता है, सबसे बड़ा होगा, वो वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो हम कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो इन डिजिट्स को हमारे को कंपेयर करना है। मैं इसको पूरा आगे नहीं लिख रहा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कौन से हैं, इनको क्या कंपेयर करना है। तो देखो 2, 7, 9 और 8, इनमें ये वाला डिजिट क्या है, सबसे छोटा है। तो मतलब ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला नंबर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और 7, 9, 8 और 2 में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, ये है। तो ये वाला नंबर क्या होगा, हमारे इन चारों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आप नोटिस करोगे कि सब में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, सब में पांच पांच डिजिट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाइएस्ट प्लेस है उसको कंपेयर करके देखते हैं। अगर हाईएस्ट प्लेस भी सेम आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उससे आगे के हायर प्लेसेस को कंपेयर करके देखेंगे। अगर वो भी सेम होते हैं तो उससे आगे के प्लेस को हम कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ डिजिट्स का तो हमारे को पता चल गया कि सब में सेम है, तो हमें हाईएस्ट प्लेस को ही कंपेयर करना है। तो यहाँ भी दो है हाईएस्ट प्लेस, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है। तो हमें पता नहीं चल रहा कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। फिर उससे हायर प्लेसेस को कंपेयर करो, ये भी पाँच है, यहाँ भी पाँच है, यहाँ भी पाँच है और यहाँ भी पाँच है। फिर उससे हायर प्लेसेस को कंपेयर करें तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है। उसके बाद में उससे हायर प्लेसेस को अगर कंपेयर करें तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है सबसे बड़ा है, ये वाला डिजिट। हायर प्लेसेस को जब कंपेयर किया तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो डिजिट होगा, ये वाला जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा, हमारा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। और यहाँ वन क्या है, सबसे छोटा है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो नंबर है वो हमारे इन चारों नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम हमारा लेक्चर नंबर थ्री का जो कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर थ्री। लेक्चर नंबर थ्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर थ्री में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। यानी कि वो हमारे को कुछ डिजिट्स दे देगा, उन डिजिट्स की हेल्प से हमारे को क्या करना है, नंबर्स फॉर्म करने हैं। हो सकता है डिजिट नहीं भी दे, उसके हिसाब से भी कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसमें भी दो केस है। वो कंडीशन ये बोलेगा कि आप लोगों को जो डिजिट्स दे रहा है उन डिजिट्स को रिपीट करना है या नहीं करना। जैसे मान लो किसी नंबर में आपने एक बार 7 यूज कर लिया, तो आपको दोबारा 7 यूज करना है या
नहीं करना है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स, यानी कि जो भी डिजिट्स हम लिखेंगे उन डिजिट्स को क्या करना है, हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है। जैसे एक नंबर में अगर 7 लिख दिया तो दोबारा हम 7 नहीं लिखेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन। देखो, इसने कंडीशन में बोल दिया है कि हमारे को क्या करना है, नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। ऑफ डिजिट्स यूजिंग 6, 9 and 8, यानी 6, 9 और 8 डिजिट्स का यूज करके हमारे को ये बताना है कि कितने नंबर्स हम बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी डिजिट को हमारे को रिपीट नहीं करना है। एक डिजिट एक बार लिख दिया तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। इसके बाद में आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, जो भी डिजिट से हम लोग जो नंबर्स बनाएंगे उन नंबर में से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर भी फाइंड करना है कि सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा। इसको फाइंड करने का हम पहले दूसरे लेक्चर में इन चीज़ों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप उसके बेसिस पे इनका आंसर भी कर सकते हो। हम इनका आंसर अभी देखने वाले। तो सबसे पहला काम है हमारे को 3 डिजिट के नंबर्स बनाना। 3 डिजिट के नंबर बनाने के लिए मतलब ये समझ लो कि हमें 3 प्लेसेस हैं हमारे पास। इन 3 प्लेसेस पे क्या करना है, नंबर्स को फिट करना है, केवल इन 3 नंबर्स को, और किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो हम कितने नंबर सोच पाते हैं वो देखो। मैं यहाँ पे अभी 6 ये बना देता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम क्या करते हैं जो हाईएस्ट प्लेस पे डिजिट है ना उसको फिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि 6, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 9 और यहाँ हमने लिख दिया 8, ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया। अब जब यहाँ हमने 6 फिक्स कर दिया तो यहाँ इन दोनों में, दोनों प्लेसेस पे क्या होगा, या तो 9 आएगा या फिर 8 आएगा, इस और इस प्लेस पे। जैसे यहाँ हमने 9 फिट कर दिया और यहाँ हमने क्या कर दिया, 8 फिक्स कर दिया, तो एक नंबर हमारे को क्या मिल गया, 698 मिल गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ 6 हो, इन दोनों में क्या हो, 8 यहाँ हो और 9 यहाँ हो, यानी कि ये दो तरीके के नंबर हम यहाँ से बना सकते हैं। अगर हम यहाँ क्या करें, 9 फिक्स कर दे तो 6 और 8 इन दोनों में से किसी भी प्लेस पे आ सकते हैं। जैसे यहाँ 6 आ गया तो यहाँ क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ अगर 9 हमने फिक्स किया तो यहाँ क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, तो यहाँ 6 हो सकता है। तो हम इस तरीके से भी दो नंबर्स बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हमने क्या किया, हाईएस्ट प्लेस पे 8 को फिक्स कर दिया है तो 6 और 9 इन दोनों प्लेसेस में से किसी पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 9 हो सकता है, यहाँ 8 है तो यहाँ 9 है, तो यहाँ क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, इन, ये हमारा सॉल्यूशन है, इन 3 डिजिट्स की हेल्प से बिना कोई रिपीटेशन करे ये टोटल 6 नंबर्स क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हमने लिख दिया है। अब इसमें आगे एक और क्वेश्चन पूछा है कि हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट भी इनमें, मतलब डिजिट्स नहीं सॉरी नंबर्स भी हमारे को इनमें से फाइंड करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स के हिसाब से सोचते हैं। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इन दोनों में भी 3 है, इन दोनों में भी 3 है, इन दोनों में भी 3 है, तो उसके हिसाब से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा है वो वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, वंस डिजिट को सोचते हैं, मतलब कि हाईएस्ट प्लेस वाले डिजिट को सबसे पहले देखते हैं। तो हाईएस्ट प्लेस पे देखो, इन दोनों में 6 आ रहा है, इन दोनों में 9 आ रहा है, इन दोनों में 8 आ रहा है। अब यहाँ ये समझ में आता है कि इनमें से कोई स्मॉलेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट है सबसे छोटा इधर है, और इनमें से कोई क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। अब कौन सा होगा वो इन दोनों को कंपेयर करके हमारे को पता चलेगा। तो यहाँ ये दोनों 6 है, फिर यहाँ यहाँ 9 है और यहाँ क्या है, 8 है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा निकल के आएगा, ये वाला नंबर निकल के आएगा, क्योंकि ये 9 है, ये इससे बड़ा हो जाएगा अगर कंपेयर करोगे। तो हम बोलेंगे 6, 8, 9 जो नंबर है वो क्या है, हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। यहाँ ग्रेटेस्ट में देखें तो ये दोनों डिजिट तो सेम है, तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये डिजिट क्या है, हायर प्लेसेस को कंपेयर करने पे बड़ा आता है,
तो हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट आएगा वो आएगा 986। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आई होगी। इनको कंपेयर कैसे किया इसको समझने के लिए आप लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने अच्छे से कंपेरिजन समझाया है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था जिससे हमने क्या किया, नंबर्स फॉर्म किए। हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपका ये वाला जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके दो एग्जांपल्स हैं और हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसके और अच्छे तरीके के क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। तो देखो, दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, दोनों एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं आपके पेपर में। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट, ध्यान रखना एक तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे को फाइंड करना है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन से, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर हमें फाइंड करना है, जो क्या किया जा सकता है, इन चारों डिजिट्स की हेल्प से बनाया जा सकता है विदाउट रिपीटेशन। यानी हमें क्या करना है, एक तो रिपीटेशन नहीं करना है, इन 4 डिजिट्स का यूज करना है और इन 4 डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। उसमें कौन सा नंबर बनाना है, एक तो सबसे छोटा नंबर बनाना है और एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे छोटा और बड़ा नंबर बनाने का क्या तरीका है, वो तरीका समझ लो, आप कोई सा भी नंबर बना सकते हो। तो उसके यहाँ मैंने दोनों के तरीके यहाँ लिख दिए हैं, उन दोनों तरीकों को याद रखोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो। तरीका क्या, देखो अगर आपको बनाना है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर का मतलब क्या हो गया कि जिसका हाईएस्ट प्लेस क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यही तो होगा भाई। 4-4 डिजिट के दो नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसका हाईएस्ट यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, वो वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे को डिजिट्स दिए हैं उन डिजिट्स को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है, अरेंज द अबाउ डिजिट, जो भी डिजिट आपको दिए हुए हैं, ये जैसे कि 5, 6, 2, 8 इस क्वेश्चन में दिए हुए थे, इनको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। जो भी नंबर हमारा बनेगा वो नंबर हमारा क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, वो यहाँ आएगा, फिर 6 डिजिट सब उससे छोटा है, उसके बाद में 5 है और फिर 2 है। तो ये जो हमारा नंबर बना है ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हमारे को मिल गया। अब अगर हमारे को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे को डिजिट्स दिए हैं उन डिजिट्स को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हम लिखेंगे। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद में 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ये जो नंबर हमारा बना है ये नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। तो आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्या करना है जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमेशा जो भी डिजिट्स देगा उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, और अगर हमारे को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जो भी डिजिट्स वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, तो हमें सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो हमारे को सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसके अंदर क्या है, थोड़ा अलग सा वो है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। कई बार क्या होता है जीरो दे देता है, तो जीरो दे देता है तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। इस बार कितने डिजिट का नंबर फाइंड करना है, 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना है, किस किस की हेल्प से, 5, 0, 2 की हेल्प से हमारे को ये फाइंड करना है। ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे, रिपीट वालों को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनाया जा सकता है। तो बड़े नंबर की क्या कंडीशन होती है ग्रेटेस्ट नंबर की, कि हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 3 डिजिट का हमारे को नंबर बनाना है, तो सबसे बड़ा डिजिट है इनमें, इन तीनों में 5, उसके बाद में कितना है, 2 है, उसके बाद में 0 है, ये हो गया हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमें बनाना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने अभी जो रूल पढ़ा है वो रूल क्या है, कि हमारे को सबसे छोटा डिजिट हाईएस्ट प्लेस पे रखना है, उससे बड़ा डिजिट उससे हायर प्लेस पे रखना है, और उससे बड़ा डिजिट उससे हायर प्लेस पे रखना है। तो इन तीनों के अंदर देखोगे तो सबसे छोटा डिजिट क्या है, 0 है, उसके अगला डिजिट क्या है, 2 है, उससे अगला डिजिट क्या है, बड़ा डिजिट 5 है। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे, ये एक्चुअल में 2 डिजिट का नंबर कहलाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि यहाँ जो ये डिजिट लिखा है हमने वो यहाँ यूजलेस है,
इसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। एक्चुअल में ये तो 2 डिजिट का नंबर बन गया, लेकिन हमें क्या करना था, 3 डिजिट का नंबर बनाना था। तो 3 डिजिट का नंबर कैसे बनाए उसको यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, 0 तो यहाँ रख नहीं सकते, तो उससे बड़ा डिजिट कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। लेकिन 0 बीच में तो रखा जा सकता है उसके बाद में, तो 0 हम यहाँ रख देंगे और 5 सबसे हाईएस्ट वाला उसके बाद में हम लिख देंगे। तो ये बन गया 3 डिजिट का हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है कि बस हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी 0 को हाईएस्ट प्लेस पे नहीं रखना है। 0 को उससे हायर प्लेस पे रख दोगे तो उससे छोटा, सबसे छोटा नंबर हमारे को मिल जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे, जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउ हो नंबर का, उनको कैसे सोल्व करेंगे, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हम सोल्व कर सकते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हम लोग नंबर्स का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, विद रिपीटिंग डिजिट्स, यानी रिपीटेशन अलाउ है। जैसा कि वो क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम रिपीट करेंगे। इसको देखने से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं विदाउट रिपीटेशन वाला, जो कि मैंने यहाँ बीच में लिखा है। तो ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है, कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 5, 6, 1, 7 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि बिना रिपीटेशन के हमारे को, ये एक्चुअल में पिछले स्लाइड पे जो हमने पढ़ा था उसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है मैंने, जिसमें 4 ऑप्शंस भी आपको गिवन है कि हमारे को क्या करना है, 5, 6, 1, 7 इन 4 डिजिट्स की हेल्प से 4 डिजिट का एक सबसे बड़ा नंबर बताना है। ध्यान रखना लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 4 डिजिट से तो सबसे हाई, मतलब सबसे इन 4 डिजिट्स का यूज करके हमें ये बनाना है। तो सबसे हाईएस्ट डिजिट को क्या करेंगे, हाईएस्ट प्लेस पे रखेंगे, उससे छोटे वाले को यहाँ रखेंगे, उससे छोटे वाले को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ पे इसको नोट कर देंगे। तो ये जो हमारा नंबर ये बना है, नंबर बना है जिसको हमने क्या किया, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो उससे जो नंबर बनता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है। ये हमने लास्ट स्लाइड पे देख लिया है। तो देखो कोई ऑप्शन में हमारे आ रहा है कि जो ऑप्शन बी है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इनमें बस क्या है कि 4 ऑप्शन दे दिया और इतना सा ही इसमें बदला हुआ है बस। अब हम देखते हैं कि विद रिपीटिंग डिजिट्स, यानी डिजिट्स का जब रिपीटेशन अलाउ कर दिया जाए तो हम क्या, किस तरीके से नंबर्स बना सकते हैं। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। हमें क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है इन दोनों की हेल्प से। ध्यान रखना इन दोनों की हेल्प से। तो ये जो डिजिट्स है ना, यूजिंग के आगे क्या आएगा, 6, 9 और फिर आगे आएगा एनी 1। किसी एक डिजिट को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। जैसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमारे को, यहाँ मैं 2-3 नंबर लिख देता हूँ, फिर और जो भी आएगा याद उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, कोई भी एक डिजिट 2 बार यूज हो सकता है। जैसे 1 बार 6, तो 6 को 2 बार यूज कर सकते हो, 2 से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते हो। 1 बार में एक ही डिजिट को 2 बार यूज करोगे। जैसे हमने मान लिया 6 को पकड़ते, तो 6 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ भी हो सकता है और यहाँ हो सकता है, एक काम ही हो सकता है 6 को अगर रिपीट करें तो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 6 यहाँ हो, 6 यहाँ और 9 यहाँ हो जाए। ऐसा हो सकता है 9 यहाँ हो, 6 यहाँ और 6 यहाँ हो, यानी 6 को रिपीट करके ये 3 केस बनाए जा सकते हैं, 6 को 2 बार लिख के। उसी तरीके से 9 को 2 बार लिख के क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 9 हो सकता है, यहाँ 9 हो सकता है, हो सकता है ये दोनों 9 स्टार्टिंग में हो और यहाँ क्या हो, 6 हो। ऐसा हो सकता है 1, 9 यहाँ हो, 1, 6 यहाँ हो और 1, 9 यहाँ हो। तो यहाँ क्या किया है हमने, 9 को रिपीट करके 2 बार लिख के ये 3 नंबर्स बनाए जा सकते हैं, और 6 को रिपीट करके ये 3 नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ये टोटल 6 नंबर्स ऐसे हैं जो किसी एक डिजिट को 2 बार रिपीट करके बनाए जा सकते हैं। तो इनका भी आंसर कितना आ रहा है, 6 नंबर्स हमारे लिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है, तो ये भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पहचानोगे कि भाई सबसे, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों में से ही हो सकता है, इन तीनों में से ही कोई स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखो सभी नंबर 3 डिजिट के हैं। जब 3 डिजिट के नंबर हैं तो हाईएस्ट प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस पे कितने 9 हैं, इन पे हाईएस्ट प्लेस पे कितने हैं 6 हैं, तो इन्हीं में से कोई होगा, क्योंकि 9 वाला तो हाईएस्ट प्लेस पे सबसे बड़ा तो बड़ा हो सकता है, सबसे छोटा नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ तो देखो सभी डिजिट कितने हैं 6 हैं, तो उससे अगले वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, तो ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा, तो कितना होगा 669। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद में सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट को देखें, तो ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे फाइंड किया जाएगा कि इन तीनों में से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाईएस्ट प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है 9, तो देखो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। इसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ उससे अगले नंबर को कंपेयर करोगे तो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ये क्या होगा हमारा सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा 996। अगर आप लोगों को ये ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वाला समझ में नहीं आया है तो आप लोग लास्ट लेक्चर और इससे की पहले की स्लाइड को अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल है, इसको भी हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी डिजिट विदाउट रिपीटेशन When 4 इज ऑलवेज एट टेंस प्लेस। उसने क्या बोला है बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी सी लैंग्वेज अटपटी सी है, लैंग्वेज को समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो उसने ये बोला है कि एक तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर फाइंड करना है, तो 4 डिजिट है यहाँ पे कुछ, ठीक है, 4 डिजिट का हमारे को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना विदाउट रिपीटेशन, और उसने बोला एनी डिजिट यानी कि 0 to 9 तक कोई सा भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन बोल दी है कि 4 को क्या करना है, हमेशा कहाँ पे रहेगा, टेंस प्लेस पे, यानी टेंस प्लेस पे हमारे को 4 फिक्स करना पड़ेगा। तो वंस एंड टेंस प्लेस पे यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, ये तो फिक्स होगा, ये होगा ही होगा, इसने कंडीशन बोली है उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोगों को क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है उनको क्या करेंगे, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कितना होगा 9, उससे छोटा क्या होगा फिर 8, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया 0 से 9 तक कोई भी यूज कर सकते हो, ध्यान रखना 4 दोबारा यूज नहीं करना, क्योंकि 4 उसने खुद बोला है कि टेंस प्लेस पे एक बार फिक्स करना है। तो 9 से 8 हो गया, 4 आ गया, यूज हो चुका है। अब 9, 8 के बाद में उससे छोटा क्या होगा 7 होगा, तो 7 हमने यहाँ लिख दिया, तो ये जो नंबर हमारे को मिला है ये नंबर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करें, तो स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटा यहाँ होगा, उससे बड़ा यहाँ होगा, उससे बड़ा यहाँ, मतलब यहाँ तो फिक्स करनी है, उससे बड़ा यहाँ होगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इन 0 से 9 तक में, तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है 0, लेकिन 0 हमें पता है कि यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या यूजलेस होता है, उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे काउंट नहीं होती, तो हम उससे अगला डिजिट क्या नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो 0 नोट किया जा सकता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 2 क्यों नहीं नोट किया, क्योंकि 2 नोट करोगे तो वो बड़ा होगा, देखो 0 1 0 4 कुछ आएगा, 1 2 4 कुछ आएगा, तो 0 वाला बड़ा है या फिर 2 वाला बड़ा है, 2 वाला बड़ा है, यानी 0, हमें तो सबसे छोटा पता करना था, तो यहाँ क्या लिखा 0 लिखा, फिर यहाँ 4 फिक्स है, 1 यूज कर चुके हैं, 0 यूज कर चुके हैं, उससे अगला क्या होगा फिर 2 यूज करेंगे, क्योंकि 2 से बड़ा लिखोगे तो जैसे 4 3 3 लिखा तो 43, जो कि इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो ये जो नंबर हमने बनाया है ये हमारा क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ ही हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आपके नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहने वाला है लेक्चर नंबर 3 का। तीनों क्वेश्चंस को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इनको घर से अटेम्प्ट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हम लोग इनको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। देख तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करना है, और ये जो 4 डिजिट्स दिए हुए हैं इन्हीं का यूज करके हमारे को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को बनाना है, यानी कि एक तो सबसे बड़ा नंबर बनाना है, एक सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इन नंबर्स का यूज करके रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यहाँ क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें क्या करना है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इन तीनों डिजिट्स की हेल्प से
ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। यहाँ क्या है, एक डिजिट क्या कर किया जा सकता है, दो बार रिपीट किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ क्या है, कुछ कंडीशंस उसने बोली है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमारे को ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, किसका, चार डिजिट का नंबर का। और यहाँ क्या है, जो भी कंडीशंस दी हुई है, यूज एनी फोर डिफरेंट डिजिट, कोई से भी चार डिफरेंट डिजिट्स को यूज कर सकते हो, 0 to 9 तक के को। लेकिन उसने कंडीशन बोली है, जैसे यहाँ क्या है, आपको डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, यानी कि वंस प्लेस में हमेशा क्या रखना है, 7 डिजिट को फिक्स करके ही हमारे को ये बनाना है। डिजिट 9 इज ऑलवेज एट हंड्रेड्स प्लेस, वंस टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे क्या रहेगा, हमेशा 9 डिजिट रहेगा। उसके हेल्प से ग्रेटेस्ट, जी मतलब ग्रेटेस्ट है और एस मतलब स्मॉल, यहाँ पे डिजिट हमारे को स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे को फॉर्म मतलब नंबर हमारे को फॉर्म करना है। जैसे डिजिट 1 इज ऑलवेज एट थाउजेंड्स प्लेस, वंस टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड, यानी थाउजेंड्स प्लेस में हमारे को क्या करना है, हमेशा 1 को रखना है और इसकी हेल्प से हमारे को ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे को बनाना है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्या कर सकें, आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।